हाँ जी प्रिय विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो बताओ आज जो हम टॉपिक लेके आए वो लेके आए क्लॉज। क्या लेके आए? क्लॉज। और क्लॉज एक ऐसा टॉपिक है बताओ जो आपके कंपटीशन में भी, कंपटीशन के अलावा एग्जाम के अंतर्गत भी, बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत भी पूछा जाता है। 3 मार्क्स का है। कितने का बताओ? 3 नंबर का है। अब इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि उपवाक्य क्या होता है। एक बाय के सबसे पहले बात आई बताओ, यानी बाय की उपाय। तो क्लॉज कहते हैं बताओ, यानी सेंटेंस। सबसे पहले हमारा एक बात आती है कि सेंटेंस क्या होता है, बाय। और बाय के जो होते हैं उनके क्या होते हैं, बाय के मिलकर, यानी दो या दो से अधिक बाय के मिलकर वो एक किसका निर्माण कर देते हैं, एक क्लॉज का निर्माण कर देते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक वाक्यों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो क्लॉज कहलाता है। ठीक है बेटा। तो सबसे मेन बात है इसमें सेंटेंस। सेंटेंस माने वाक्य, और वाक्य के ही द्वारा क्या बन गया, उपवाक्य। तो मेन शब्द क्या निकल के आया है इसमें, सेंटेंस है भाई। अगर हम वैसे ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले वर्ड आया, वर्ड अक्षर आया, अक्षर के द्वारा क्या बन गया, अल्फाबेट से क्या बन गए, वर्ड, अक्षर बन गए। अक्षर के बाद क्या हो गए, सेंटेंस, यानी वाक्य बन गए। और वाक्य के बाद हमने किसका निर्माण कर दिया, उपवाक्य का, यानी क्लॉज का निर्माण कर दिया। वही बात है, अल्फाबेट, वर्ड्स, सेंटेंस और क्लॉज। इस तरीके से एक ग्रुप का क्या हो गया, निर्माण हो गया बेटा। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। नोट करते जाओ बेटा, अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है आपका क्लॉज। डेफिनेशन लिखो, क्लॉज, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग part of a larger sentence, forming part of a larger sentence, it has on subject, it has on subject and on प्रिडिकेट, ऑन प्रिडिकेट। ये कह रहा है बताओ क्या होता है, देखो इधर, यानी क्लॉज इज ए ग्रुप, यानी उपवाक्य क्लॉज इज ए ग्रुप। ग्रुप माने हो गया समूह, ग्रुप माने क्या हो गया, समूह ऑफ वर्ड्स, किसका, शब्दों का। क्लॉज एक शब्दों का समूह होता है, फॉर्मिंग पार्ट, फॉर्मिंग पार्ट होता है रूप बदलने वाला, फॉर्मिंग माने बदलाव करने वाला, हिस्सा ऑफ ए लार्जर सेंटेंस, एक बहुत बड़ी वाक्य का। यानी क्लॉज एक शब्दों का समूह होता है जो कि एक बहुत बड़े सेंटेंस का बदलने वाला हिस्सा होता है। इट हैज ऑन सब्जेक्ट, जिसका स्वयं का क्या होता है, कर्ता, जिसका स्वयं का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, एंड वन प्रेडिकेट, और स्वयं का ही क्या होता है, प्रेडिकेट माने हो गया विधि, स्वयं का ही क्या हो गया, विधि, स्वयं का ही कर्ता होता है और स्वयं का ही क्या होता है, विधि होता है, वो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। हिंदी में लिखो बेटा, डेफिनेशन लिखो हिंदी में, उपवाक्य, उपवाक्य बड़े शब्द, उपवाक्य बड़े शब्द समूह का, उपवाक्य बड़े शब्द समूह का हिस्सा होता है, उपवाक्य बड़े शब्द समूह का हिस्सा होता है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत स्वयं का, जिसके अंतर्गत स्वयं का, कर्ता,
जिसके अंतर्गत स्वयं का कर्ता एवं स्वयं का विधेय, स्वयं का कर्ता एवं स्वयं का विधेय होता है, विधेय होता है वह उपवाक्य कहलाता है, वह उपवाक्य कहलाता है। देखो बेटा, उपवाक्य बड़े शब्द समूह का क्या होता है, हिस्सा होता है। वही बात हमने बता दी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस, एक बड़े शब्द समूह का हिस्सा होता है, भाग होता है, जिसके अंतर्गत स्वयं का कर्ता, अभी बात कर रहे थे हम सब्जेक्ट होता है और स्वयं का क्या होता है, विधेय होता है, और वह क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। विधेय यानी जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, उसमें देखो एग्जांपल से आपकी क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही वर्किंग वेरी हार्ड। अब देखो बेटा, ये सेंटेंस है आपके सामने, ही क्या हो गया सब्जेक्ट, ही क्या हो गया सब्जेक्ट, और इज ए वर्किंग वेरी हार्ड, ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, क्या हो गया बेटा प्रेडिकेट हो गया, क्या हो गया प्रेडिकेट। इधर देखो, यह है आपका कर्ता हो गया, ये क्या हो गया कर्ता, और शेष वाक्य जो है आपका क्या हो गया विधेय। ऐसा कहा जा सकता है जो वाक्य में जिसके द्वारा, वाक्य में जिसके द्वारा कोई भी अभिनय किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, उसका सब्जेक्ट कहलाया, यानी स्वयं का कर्ता, और जो शेष वाक्य उस पर डिपेंड है, यानी आप देख रहे हैं बताओ ये पूरा वाक्य किस पर डिपेंड है, सब्जेक्ट पे, भाई कर्ता पे डिपेंड है कि नहीं। अगर माना मैं इस कर्ता को यहां से हटा दूं, कर्ता को यहां से हटा दूं, तो इज वर्किंग वेरी हार्ड पता नहीं है कौन कार्य कर रहा है, देखो कोई महत्व नहीं निकल रहा उसका। तो ध्यान रखना, जिस वाक्य के अंतर्गत कर्ता होता है वह कर्ता उसमें प्रमुख होता है, शेष वाक्य उसका क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। अब देखो बेटा इसके आगे, हाँ जी देखो बेटा, एक इसके आगे नीचे लिखते चलो लाइन से, एक वाक्य, एक वाक्य के अंतर्गत, एक वाक्य के अंतर्गत कम से कम, एक वाक्य के अंतर्गत कम से कम एक, या कम से कम एक, या एक से कम से कम एक, या एक से अधिक, एक से अधिक उपवाक्य, एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं, एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं। ये कह रहा है बेटा कोई भी सेंटेंस है और सेंटेंस के अंतर्गत यानी कम से कम एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं। कोई भी वाक्य हो और वाक्य के अंतर्गत यानी एक क्लॉज होगा, एक नहीं है तो एक से अधिक भी क्लॉज हो सकते हैं। एग्जांपल लिखो बेटा, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड लिखो बेटा उसमें, यू विल पास इन द एग्जाम, यू विल पास इन द एग्जाम, ये हमको इफ से जोड़ना है। सेंटेंस आ गया बेटा आपके सामने, यू वर्क हार्ड फर्स्ट सेंटेंस हो गया, और सेकंड वाक्य यू विल पास इन द एग्जाम, किससे जोड़ना है इफ से। तो बेटा जुड़ेगा कैसे, देखो इफ क्लोज आ गया आपका इफ, इसके बाद देखो यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जाम,
यू विल पास इन द एग्जाम। बेटा देखो अब आपका जो इफ से जुड़ा है, इफ माने यदि, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो प्रधान उपाय हो गया, प्रमुख हो गया, और जो शेष उपाय की जो इस पहले वाले पॉइंट में क्या है, आश्रित है, निर्भर है, ये इसका क्या कहलाया, प्रधान कहलाया, और ये इसमें क्या कहला, आश्रित कहलाया। तो इस तरीके से यानी ये हो गया कि अगर वो कठिन परिश्रम करेगा तो वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो बेटा, इसी तरह देखो रोहित इज रीडिंग, रोहित इज रीडिंग ए बुक, रोहित इज रीडिंग ए बुक फर्स्ट सेंटेंस हो गया बेटा। सेकंड है सोहन इज राइटिंग ए लेटर, सोहन इज राइटिंग ए लेटर। व्हाट का प्रयोग करना है, किसका करना है, व्हाट, और व्हाट से वाक्य को क्या करना है, जोड़ना है। बनेगा कैसे देखो, रोहित इज रीडिंग ए बुक, फर्स्ट सेंटेंस हो गया रोहित इज रीडिंग ए बुक। उसके बाद बेटा क्या लग जाएगा, व्हाट डबल करता है, सब्जेक्ट डबल है, सोहन इज राइटिंग ए लेटर। देखो बेटा जिस वाक्य के अंतर्गत यानी जिस सेंटेंस के अंतर्गत यानी सब्जेक्ट क्या है, अपने डबल है, सब्जेक्ट दोहरे आ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत यानी जो भी एंड आ जाए, व्हाट आ जाए, आदि से अगर सेंटेंस को जोड़ा जाएगा, आदि से यदि सेंटेंस को जोड़ा जाएगा तो ध्यान रखना उसका प्रयोग बीच वाले सेंटेंस के अंतर्गत किया जाएगा। यानी व्हाट से प्रयोग करना था, वो व्हाट से जोड़ना था, इसमें इफ यदि, और यदि जो होता है बेटा वो हमेशा पहले ही आता है, और बट एंड ये शब्द आ जाएंगे दोनों के क्या आएंगे, बीच में आएंगे। इसमें कर्ता क्या है, अलग अलग है, कर्ता क्या है, अलग अलग है, और क्रिया भी उनके द्वारा क्या हो रही है बेटा, अलग अलग हो रही है। कर्ता अलग है तो उस यानी आपको पता है एंड वगैरह ये बोथ एंड नाइजन और आइडन और ऐसे शब्द आ जाए तो अलग अलग प्रयोग होंगे। इसके अलावा क्रियाएं भी उनके द्वारा क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो ध्यान रखना ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में ही इनका प्रयोग किया जाता है। ये हो गया, ये कह रहा है कि एक वाक्य के अंतर्गत कम से कम एक या फिर एक से अधिक क्या हो सकते हैं उपवाक्य, दोनों के अंतर्गत क्लियर हो गया, एक हो सकता है, एक को भी वाक्य के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है, एक नहीं है तो एक से अधिक, यानी उपवाक्य हो गए, नहीं हो गए दो दो वाक्य आ गए तो ये क्या कहलाए, उपवाक्य कहलाए। अब चर्चा करते हैं बेटा सेंटेंस की। बात करते हैं सेंटेंस की बेटा, क्या होता है सेंटेंस। देखो हेडिंग लगा लो सेंटेंस बाई, मेन चीज आई है इसमें, मेन वस्तु आई है कि बाइक, और बाइक क्या होता है तो क्लियर करेंगे बेटा। देखो इसमें ए सेंटेंस डेफिनेशन देखो, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट, विद कंप्लीट सेंस, विद कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड, आर कॉल्ड ए सेंटेंस, आर कॉल्ड ए सेंटेंस। देखो बेटा ए सेंटेंस एक वाक्य इज ए ग्रुप, एक समूह होता है, एक वाक्य एक समूह होता है ऑफ वर्ड्स शब्दों का, एक वाक्य एक समूह होता है शब्दों का विद कंप्लीट सेंस, कंप्लीट माने पूर्ण और सेंस माने जिसका अर्थ निकलता है, जिसका पूरा अर्थ निकलता है आर कॉल्ड ए सेंटेंस, वही क्या कहलाता है वाक्य कहलाता है। बताओ हिंदी लिख सकते हैं आप, देखो वाक्य, वाक्य शब्दों, वाक्य शब्दों का समूह होता है,
बाइक के शब्दों का समूह होता है जो एक पूर्ण समझ का हिंदी अर्थ प्रदान करता है। हिंदी अर्थ प्रदान करता है बाइके कहलाता है। देखो बेटा, बात चल रही है इसमें कि बाइके शब्दों का एक समूह होता है। बाइक किसका समूह होता है बेटा? शब्दों का, यानी सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जो एक पूर्ण समझ का, यानी ऐसा अर्थ देता है जो सामने वाले व्यक्ति की आसानी से क्या सके, समझ में आ सके, अर्थ प्रदान करता है, वही सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो बेटा, नोट करो। सुमित इज गोइंग टू स्कूल। सुमित इज गोइंग टू स्कूल, ये बेटा वो सेंटेंस है आपके सामने, क्या हो गया? एक बाइक हो गया। और इस बाइक का जब हम हिंदी अर्थ ले रहे हैं, यानी जब सेंटेंस का जब हम हिंदी अर्थ निकाल रहे हैं, तो कर्ता हमारे पास क्या हो गया? सुमित। क्या हो गया? सुमित। और सुमित के द्वारा स्कूल जाने की क्रियाविधि की जा रही है, तो इसका पूर्ण अर्थ निकल के आया कि नहीं आया? पूर्ण अर्थ जब निकल के आ रहा है तो वो क्या कहलाया आपका? एक सेंटेंस कहलाया। सेंटेंस का मीन ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति की आसानी से क्या सके, समझ में आ सके, वो सेंटेंस कहलाता है। तो देखो बेटा, अब हेडिंग लगा हुआ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बाइक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बाइक के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हिंदी हो गई बेटा इसकी, वाक्य के प्रकार। वाक्य जो होता है बेटा, यहां पर क्लॉज के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। किसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं? क्लॉज के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, जब हम क्लॉज के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं तो यहां पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। और अगर हम टेंस की बात करें कि हम बाइक टेंस के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, तो टेंस में पांच प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बताओ? पांच प्रकार के। कौन कौन से होते हैं टेंस के अंतर्गत? देखो, सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस, यानी टेंस के अंतर्गत अध्ययन करें तो सिंपल सेंटेंस। दूसरा हो गया नेगेटिव। क्या हो गया आपका? देखो, अगर हम टेंस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो टेंस में हो गया नंबर फर्स्ट आपका सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर दो हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर थर्ड हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नंबर चार इन दोनों से मिलकर बन जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। नंबर पांच हो जाता है WH वर्ड वाले का। ये पांच प्रकार के जो किसके अध्ययन करते हैं? टेंस के अंतर्गत। ध्यान रखना, इनका अध्ययन टेंस के अंतर्गत करते हैं। अब यहां पर जो हम अध्ययन करेंगे बताओ, यहां पर केवल हम तीन प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करेंगे। और वो तीन कौन कौन से हैं? देखो, तीन प्रकार के वाक्यों होते हैं वाक्य, तीन प्रकार के वाक्य, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? नंबर फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, हिंदी होती है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। नंबर सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, हिंदी होती है संयुक्त वाक्य,
कंपाउंड सेंटेंस की हिंदी होती है संयुक्त वाक्य, और नंबर थर्ड होता है जो आपका वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हिंदी होती है मिश्रित वाक्य। क्या होती है बताओ? मिश्रित वाक्य। देखो तीन वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस जो होता है बताओ वह तीन प्रकार का होता है, और कौन कौन सा होता है? पहला है सिंपल सेंटेंस। कौन सा है? सिंपल सेंटेंस, जिसे साधारण वाक्य के नाम से जाना जाता है। नंबर सेकंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस, जिसे संयुक्त वाक्य के नाम से जाना जाता है। तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे मिश्रित वाक्य के नाम से जाना जाता है। तीन प्रकार के वाक्य हो गए बेटा जिनका यहाँ पे अध्ययन करेंगे हम। देखो सबसे पहले चर्चा करते हैं आज सिंपल सेंटेंस की, क्या होता है संयुक्त वाक्य। देखो बताओ सिंपल सेंटेंस डेफिनेशन लिखो इसकी। साधारण वाक्य उसे कहते हैं, साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत एक फिनिट वर्ब होती है। साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत एक फिनिट वर्ब होती है। यह वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। यह वाक्य सब्जेक्ट यानी कर्ता से शुरू होते हैं। इन वाक्यों के अंतर्गत आगे बताओ, इन वाक्यों के अंतर्गत इन वाक्यों के अंतर्गत एक सामान्यता एक सामान्यता का बोध होता है एक सामान्यता का बोध होता है इन वाक्यों के अंतर्गत एक साधारणता या सामान्यता का बोध होता है इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप दिया हुआ होता है इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप दिया हुआ होता है। तथा ये बात आप इसमें ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत चूंकि किंतु परंतु कुछ भी नहीं आता है। देखो दोबारा से बता देता हूं, साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत एक फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब का मीन्स होता है सीमित क्रिया। क्या हो गया बताओ? सीमित क्रिया, यानी वह वाक्य जिसके अंतर्गत एक सीमित क्रिया होती है। फिनिट वर्ब का मीन्स क्या हो गया? एक सीमित क्रिया, एक नॉन फिनिट होती है जिसका मीन्स होता है असीमित क्रिया। तो इन वाक्यों में सीमित होती है, सीमितता भी होती है। सीमितता का मतलब है एंड हो जाते हैं तुरंत ही। यह वाक्य किससे शुरू होते हैं? कर्ता से। किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। इन वाक्यों के अंतर्गत एक सामान्यता का बोध होता है। किसका बोध होता है? साधारणता या सामान्यता का बोध होता है। जब भी सेंटेंस आता है, कोई भी वाक्य आता है, तो उसके अंत में क्या दिया होता है? फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम दिया हुआ होता है। यानी फुल स्टॉप पे आके वह वाक्य क्या हो जाते हैं? एंड हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटा, नंबर फर्स्ट, राम इज गोइंग
टू स्कूल। देखो बेटा राम शब्द जो है इसमें क्या है, सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, और शेष वाक्य क्या हो गया आपका, यानी प्रेडिकेट, क्या हो गया प्रेडिकेट। अब मैं बता रहा था आपको जिस ये वाक्य किससे शुरू होते हैं बेटा, कर्ता से, किससे शुरू होते हैं कर्ता से, तो राम कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज गोइंग टू स्कूल क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया। तो इन अगर मैं सेंटेंस का सीमित अर्थ लूं तो सीमित अर्थ क्या हो गया इनका, बिल्कुल यानी सामान्य अर्थ निकल रहा है कि राम विद्यालय जा रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो इनके अंत में मैंने बताया था फुल स्टॉप दिया हुआ होता है, आया कि नहीं आया, अंत में वाक्य में क्या आता है फुल स्टॉप आता है, और फुल स्टॉप के साथ साथ अगर हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो बिल्कुल क्या निकलेगा, सरल या सीमित अर्थ निकलेगा, एक सीमित क्रिया का रूप लिखा है लिए हुए, यानी राम की सीमितता कहां तक है केवल विद्यालय तक, भाई सीमित क्रिया हो गई कि नहीं हो गई, फिनिट वर्ब हो गई, और जिस वाक्य में क्या हो जाए असीमितता हो, पता है इतने अर्थ कहां से कहां तक जा रहा है तो वो क्या कहलाएंगे असीमित वाक्य कहलाएंगे। इसमें केवल राम का संबंध स्कूल से है तो ये सीमित वाक्य कहलाया, कैसा कहलाया था सीमित यानी सिंपल सेंटेंस कहलाया। दूसरा लिखो ही नोज हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, वही बात हो गई कि आपका सब्जेक्ट हो गया और शेष बाय का आपका क्या हो गया प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट कहलाया और ये क्या कहलाया सब्जेक्ट कहलाया। ये जो था आपका बताओ सिंपल सेंटेंस था, क्या था सिंपल सेंटेंस था, साधारण वाक्य था। अब चर्चा करेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस की, नंबर दो, नंबर सेकंड, इसके अंतर्गत आएगा बेटा कंपाउंड सेंटेंस, कौन सा आएगा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का हिंदी अर्थ जो होता है संयुक्त वाक्य, क्या होता है बेटा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। देखो बेटा क्या होता है परिभाषा लिखो, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को, साधारण वाक्यों को, साधारण वाक्यों को मिलाकर, साधारण वाक्यों को मिलाकर एक एक संयुक्त वाक्य का, एक संयुक्त वाक्य का निर्माण, एक संयुक्त वाक्य का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक, बेटा कितने, यानी इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं दो या दो से अधिक, कितने दो या दो से अधिक, और कैसे सेंटेंस है साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर यानी जोड़कर एक कैसे का संयुक्त वाक्य का क्या किया जाता है निर्माण किया जाता है। आगे लिखो बेटा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत दो वाक्य, इसके अंतर्गत दो वाक्यों में प्रधान होते हैं, इसके अंतर्गत दोनों वाक्य जो होते हैं या दोनों जो होते हैं वो वाक्य क्या होते हैं प्रधान होते हैं, और ये दोनों, और ये
दोनों और ये दोनों वाक्य मिलकर और ये दोनों बाइक मिलकर ही कंपाउंड सेंटेंस की रचना करते हैं, रचना करते हैं। ये दोनों बाइक ही मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। देखो बताओ क्या होता है, यानी इसके अंतर्गत दोनों बाइकों में क्या होती है, प्रधानता होती है। यानी दोनों बाइक अपने आप में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बताओ जब सेंटेंस डबल आएगा तो कर्ता भी डबल आएगा, और कर्ता डबल आएगा तो प्रेडिकेट भी डबल आएगा। अगर जब कर्ता डबल है तो दोनों वाक्यों में अपनी प्रधानता लिए हुए है कि नहीं हुए, कर्ता लिए हुए सब। और ये दोनों वाक्य मिलकर ही किसका निर्माण कर देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस की क्या कर देते हैं, रचना कर देते हैं। एग्जाम्पल लिखो बताओ, एग्जाम्पल ही इज ए रिच ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका। सेकंड वाक्य लिखो ही इज नॉट हैप्पी ये आपको बट शब्द से जोड़ना है। किससे जोड़ना है बताओ, बट शब्द से। अब देखो दो वाक्य आ गए आपके सामने, ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज ए रिच ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट। सेकंड वाक्य में भी ही सब्जेक्ट है और इज नॉट हैप्पी ये प्रेडिकेट हो गया। तो दो वाक्य हो गए, तो दोनों अपनी क्या लिए हुए, प्रधानता लिए हुए। दोनों वाक्य जब अपनी प्रधानता लिए हुए तो इनका सेंटेंस जब बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखो बताओ। ही इज ए रिच व्हाट ही इज नॉट हैप्पी ही इज नॉट हैप्पी, इस तरीके से बन गया। अब देखो बेटा यहां से ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और यहां से यहां तक क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। व्हाट क्या है आपका, यानी क्लॉज। क्या हो गया बेटा, आपका क्लॉज हो गया। सेकंड वाक्य में ही सब्जेक्ट हो गया और इज नॉट हैप्पी क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो देखो ये यहां से लेकर, यानी यहां से लेकर और यहां तक का वाक्य जो है, यानी ही से बट से पहले, यानी क्लॉज से पहले का जो वाक्य है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाया। क्या कहलाया, प्रिंसिपल क्लॉज। और शेष वाक्य जो है वो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या कहलाया, क्लॉज कहलाया बताओ। क्योंकि क्योंकि पहला वाक्य जो है यहां पे प्रधान है और सेकंड वाक्य जो है उस पे क्या है, आश्रित है। तो ये पहले वाक्य पे क्या हो गया, बट से जब जुड़ा तो इससे क्या हो गया, मिला हुआ या इससे सीमित हो गया। तो ध्यान रखना ये जो इस पे आश्रित वाक्य कहलाएगा, बट से जुड़ा, तो इसमें ये जो पहला वाक्य क्या हुआ, प्रधान वाक्य हुआ। आगे के सेंटेंस की चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।